पूरे देश में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। देश भर में लोग अपने अपने घरों के साथ पंडालों में भी गणेश प्रतिमाओं की स्थापना करते हैं। वहीं गणेश प्रतिमा की स्थापना और विसर्जन को लेकर थाना परिसर में एसडीएम के एस गौतम और एसडीओपी सौरभ रत्नाकर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें गणेश उत्सव पर नगर में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही सड़कों की मरम्मत का कार्य और विसर्जन के लिए नदी किनारे गड्ढों के निर्माण को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। गणेश उत्सव का पर्व जो है कल से प्रारंभ होने वाला है, 21 तारीख से। 21 तारीख से गणेश स्थापनाएँ हो जाएंगी और पूरे 10 दिन का पर्व रहता है। अनंत चतुर्दशी तक ये पूरा पर्व चलने वाला है। इसी दौरान जो है जैन समाज का भी कार्यक्रम है, पर्युषण पर्व भी चल रहे हैं इस समय। तो इसमें जो है जो गणेश की प्रतिमाएं वगैरह जगह जगह स्थापित होती हैं। गणेश उत्सव में जो व्यवस्थाएं होंगी इस बार कुछ नए टाइप की व्यवस्थाएं होंगी और नगर में साफ सफाई होगी और जो नदी में विसर्जन हुआ गणेश उत्सव का उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। तैराकी दल भी रहेगा और कुछ निश्चित निर्देश भी दिए जाएंगे कि नगर के लोग एक साथ गणेश विसर्जन करें।